नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑलिव बोर्ड पे जो आपका लाइव मॉक हुआ है SSC CGL 2023 मेंस के लिए 30 और 1 अक्टूबर में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जितने भी अभी तक मॉक हुए हैं उनकी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा इस मॉक में आपका ओवरऑल कितना स्कोर रहा ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका इंटरफेस बिल्कुल SSC जैसा है। जब आप SSC का टाइपिंग दोगे तो इस तरीके से आपका फोटोस होगा, इस तरीके से नाम्स होगा, कंटेंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर कंटेंट आपको टाइप करना होगा। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज़ होगा वो भी इतना होगा। तो जितने भी फीचर हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे आपको दिए। उसके अलावा हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल जो SSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो सिर्फ इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप डेमो जो लीजिएगा। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नई अप्रोच जरूर मैं आपको सिखाऊंगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, 1 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है लेकिन वो 7 से विभाजित ना हो। तो 7 से विभाजित होने वाली जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी उनमें 7 से विभाजित होने वाली पहली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 3 और 7 का मल्टीपल, यानी कि 21 से विभाजित होने वाली संख्या अगर हम इसमें से निकाल दें तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। यानी कि पहले हम क्या निकालें, 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालें और उसमें से 21 से इनके मतलब यहाँ से यहाँ तक 21 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो अगर घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 400 तक अगर हमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, 400 को 3 से डिवाइड करो जो आपका कंप्लीट भागफल आ जाए। अगर रिमाइंडर बचे तो पूरा पूरा आपको ले लेना है। तो कितने बार जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, देखो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है यानी कि जो संख्याएं होंगी 3 से विभाजित होने वाली 1 से 400 तक वो कितनी होंगी, 133। अब इसमें से हमें जो 21 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी इसके बीच में उनको हटाना है। तो 21 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है तो 21 से डिवाइड कर दो। तो कितने बार जाएगा, 21 कितना बचा, 19, 0 उतारा, अब 21 नमा होता है आपका 189, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा 19 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनका डिफरेंस। तो आप यहाँ पे 33 यानी कि 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4, और यहाँ पे से 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 और 1, यानी कि टोटल जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 114, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर क्यों 21 वाली जो संख्या है वो हमने हटाई उसका भी आपको यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, एक प्रश्न हल करने के लिए 3 विद्यार्थियों को दिया गया जिनके द्वारा प्रश्न को हल करने की संभावनाएँ जो हैं वो 3/5, 1/7 और 1/2 हैं। प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रश्न के सॉल्व होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि किसी प्रश्न को हल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/5 है, तो ना हल करने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हल करने की जो संभावना है वो कितनी है, 3/5, तो ना हल करने की जो संभावना होगी वो 1-P होगी, यानी कि 1-3/5, यानी कितना जाएगा, 2/5। तो हम निगेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उसमें 1 में से घटा देंगे तो पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। कैसे, अब ऐसा क्यों करेंगे, उस चीज़ का पहले आप मतलब समझो। देखो यहाँ पर हल करने की संभावनाओं को अगर आप देखोगे तो कई संभावनाएँ होंगी, जैसे कि इससे भी हल हो जाता है, इससे भी हल हो जाता है, इससे भी हल हो जाता है, इससे हल होता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे हल होता है, इन दोनों से नहीं हो पाता है, तो ऐसी कई संभावनाएं होंगी। तो निगेटिव से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि हल ना होने की जो संभावना है वो क्या होगी।
तो हमें पता चल जाएगा कि हल ना होने की संभावना क्या है, और फिर उसे वन में से घटा देंगे तो हल होने की संभावना हमें पता चल जाएगी। तो भाई इसके हल होने की संभावना क्या है, पहले वाले की 3/5, तो ना हल होने की संभावना क्या होगी, 1 - 3/5 करोगे तो कितना आएगा, 2/5, क्लियर। उसके अलावा इंटू, अब यहाँ पे हल होने की संभावना 1/7 है, तो ना हल होने की संभावना 7 - 1 यानी कि 6/7 हो जाएगी। इसी तरीके से 1 - भी कर सकते हो, यहाँ पे 1/2 है यानी कि 1/2 होगी। तो सॉल्व कर लो, 2 × 3 = 6, और यहाँ पे कितना हुआ आपका, अब तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे 7 × 5 = 35। तो ये हल ना होने की संभावना आई, तो हल होने की संभावना क्या होगी, 1 - 6/35। तो सॉल्व कर लो, 35 में से 6 गया तो कितना बचा, 29/35, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एफ जी एच ने क्रमशः 7, 3, 5 के अनुपात में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद जी ने स्वयं को व्यवसाय से अलग कर लिया, और अगले 8 महीने के बाद एच ने स्वयं को व्यवसाय से अलग कर लिया। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त जो लाभ है वो कितना है, 2040 है, तो एच का हिस्सा क्या होगा। देखो लाभ जो मिलता है वो पूंजी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में बढ़ता है। अब देखो 2 वर्ष के लिए टोटल व्यापार चल रहा है, इसका मतलब एफ ने तो कोई अपने पैसे में छेड़खानी नहीं की, इसका मतलब है एफ ने जो पैसा अपना लगाया वो टोटल 2 वर्ष यानी कि 24 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, क्लियर। तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा एफ इंटू 24 के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में मिलेगा, तो वही हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका रेशियो भी दिया हुआ है, 7 है, एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 7 ये रुपया लगा रहा है वो टोटल 24 महीने के लिए इसने लगाया, ठीक है। तो इसको जो पैसा मिलेगा वो इस रेशियो में मिलेगा। उसके अलावा फिर बारी आती है जी की, तो जी जो है वो 3 रुपया लगाता है, कितने टाइम के लिए, 8 महीने के बाद जी ने स्वयं को व्यवसाय से अलग कर लिया, यानी कि जी ने जो पैसे लगाए वो 8 महीने के लिए लगाए। फिर एच की बारी आती, एच लगाता है 5 रुपये, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, और अगले 8 महीने के बाद, यानी कि 8 + 8, इसने जो व्यापार में पैसे लगाए वो 16 महीने के लिए लगाए। तो इसका रेशियो निकाल लो, इसी रेशियो में इन्हें जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो 8 से काट सकते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, और 8 × 3 = 24, यानी कि 7 × 3 = 21, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 10, यानी कि इनको जो फायदा मिलेगा वो 21, 3 और 10 के रेशियो में मिलेगा। तो टोटल फायदा कितना हो रहा है, 21, 3, 24 और 10 कितना हुआ, 34। 34 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2040 के बराबर। तो ये 6 बार जाएगा, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू जो है वो 60 के बराबर। तो एच का हिस्सा आपको निकालना है, तो एच का हिस्सा 10 रेशियो की वैल्यू जो होगी वो 10 × 60 यानी कि कितना जाएगा आपका, 600, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाग को जब गुणा में चेंज करते हैं तो अंश और हर पलट जाता है, तो इसे पहले सॉल्व करो। देखो 7/15 × 45/49 होगा, तो यहाँ पे 7 × 49 = 45, यानी कि 3/7 यहाँ पे आया, और प्लस इसमें 18/7 ही जोड़ना है। तो 18/7 कितना हुआ, 21/7, यानी कि कितना जाएगा आपका, 3 आएगा यहाँ पे, और फिर इसे गुणा करना है 15 से, यानी कि कितना जाएगा, 7/15 × 3 × 15 + 49 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से 15 कैंसिल हो गया, 7 × 3 कितना हुआ, 21 + 49 यानी कि कितना जाएगा आपका, 70। 21 + 49 कितना हो जाएगा, 70, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि एक टीवी का अंकित मूल्य जो है वो 64,000 रुपये, एक व्यक्ति इसे 10% और डी % की दो क्रमिक छूट के बाद 46,000 कितने में बेचता है, 46,080 रुपये में बेचता है, तो डी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो 64,000 रुपये की जो चीज़ है उसको कितने का बेच रहा है ये, 46,080। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं, यानी कि 6400 की चीज़ को ये 4608 रुपये में बेच रहा है। तो कितना ओवरऑल डिस्काउंट इसने दिया, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे 9 में से 0 गया तो कितना बचा आपके पास, 9, और यहाँ पे 13 में से 6 गया तो कितना बचा आपके पास, 7 और 1, यानी कि इसने 1792 का डिस्काउंट दिया। तो 1792 का डिस्काउंट दिया किस पे, 6400 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 से काटेंगे, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, और 8 × 6 = 32, 8 × 8 = 64, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 × 2 = 16, और 8 × 8 = 64, यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो कितना आ रहा है, 28%। अब दिमाग लगाओ, ये पहला वाला जो डिस्काउंट है वो 10% का, ठीक है। अगर हमें 2 डिस्काउंट दिए हैं और ओवरऑल डिस्काउंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, D1 + D2 - D1 × D2
बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से चूज करो कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पे 20 ले लें तो 10 प्लस 20 और माइनस 10 इंटू 20 बटे 100 होगा, तो देखो यहाँ से ओवरऑल 28 आ जाएगा। इसका मतलब है बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको कॉट का यूज़ करना है। देखो 4 कॉट ए की वैल्यू जो है वो 5/4 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉट ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/16। अब इस टर्म को कॉट के फॉर्म में बनाओ, अगर हम यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दें पहले वाले ऊपर वाले टर्म में, तो कितना आ जाएगा 4 cot A + 1, और नीचे कितना आएगा फिर कॉस से डिवाइड, यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दें तो साइन से जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे और नीचे वाले में, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 cot A - 1। बस वैल्यू रख दो, 4 × cot की वैल्यू कितनी है 5/16 + 1, और यहाँ पे 4 × 5/16 - 1, तो 4 × 16 और 4 × 16, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 × 9/4, और यहाँ पे 5 - 4 यानी कि 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना जाएगा आपका 9, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन, sec a प्लस tan a बराबर अगर 10 है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यानी कि sec a माइनस tan a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/10, क्योंकि आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि sec a, ये क्या हो जाएगा sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a, यानी कि इनकी वैल्यू अपोजिट होती है एक दूसरे के, मतलब ये दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर ये 10 है तो ये 1/10 होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम अगर इसे सॉल्व करें तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, 2 sec a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी 10 + 1/10, 10 × 100 और 1 कितना हुआ 101/10, तो sec a की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 101/20, दो को भी नीचे ले आएंगे यानी कि 101/20 ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग बस आपको लगाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 45 है, तो आपको बताना है x माइनस 10 का होल क्यू प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 5 का होल क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 0 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये बात हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल रूप में 0 होंगे, तभी इनका ओवरऑल जो सम है वो 0 आ रहा है। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। बस यही चीज़ दी है आपको यहाँ पे, बस आपको उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स प्लस वाई अपान 3 इज इक्वल टू 15। 15 को अगर हम इधर लेके आए तो माइनस का 15 होगा, तो हम यहाँ पे 10 और 5 में ब्रेक कर लेते हैं, तो x माइनस 10 और प्लस वाई अपान 3 माइनस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप रिलेट करो कि ये x है और ये y है, इसकी वैल्यू 0 दी है और आपसे पूछ क्या रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बस इसका योगफल आपको बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 14 से 8 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पे 12 से 4 गया तो कितना बचा आपके पास 8, और यहाँ पे आपका 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 186 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे आपका 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, जोड़ दो भाई 6 × 2 कितना हुआ 8, 8 × 1 कितना हुआ 9, और 2 298, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है, क्या दिया हुआ है कि 2 बर्तन में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, पहले बर्तन में स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है वो 8:3 है, और दूसरे बर्तन में जो अनुपात है वो 5:1 है, इन बर्तनों से 1 35 लीटर का पीपा भरा जाता है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है, ताकि स्पिरिट और पानी का मिश्रण जो है वो 4:1 के अनुपात में हो, पहले बर्तन से कितने लीटर पानी जो है वो लिया गया, आपको ये बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, अगर आप किसी जुगाड़ से ये निकाल लो कि वो किस रेशियो में निकाला गया, किस अनुपात में निकाला गया, तो आप बता दोगे वहाँ से कि 35 में जो पानी होगा वो कितना होगा और स्प्रिट होगा वो कितना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक पे लगा दो, चाहे स्प्रिट पे लगा दो चाहे पानी पे लगा दो। तो भाई पहले बर्तन में अगर हम देखें यहाँ पे स्प्रिट और पानी है, तो स्प्रिट कितना है 8 है, कितने में टोटल 11 में, तो 8/11। दूसरे वाले में कितना है 5 है, कितने में 6 में, ठीक है, और ओवरऑल कितना हो जाता है 4, कितने में 5 में, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो इसका अनुपात कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 8 40 और 11 4 44, तो 40 और 44 का डिफरेंस कितना हुआ, 4, और नीचे कितना आ जाएगा, 11 × 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 5 25 और 4 6 24, तो 24 और 25 का डिफरेंस कितना है, 1, और बटे में 4, बटे में यहाँ पे इसका जो हर है वो कितना है, 5 है, और इसका जो हर है वो कितना है, 6 है। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो 11 कितना आ गया, 24, यानी कि जो आपने मिक्सचर निकाला उसमें स्पीड और पानी का जो अनुपात होगा वो 11:24 होगा, यानी कि टोटली मिक्सचर कितना है, 35:35, लेकिन निकाला आपने कितना है, 35 लीटर। इसका मतलब है एक की वैल्यू जो है वो 1 लीटर के बराबर, 1:1 की वैल्यू 1 लीटर के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है पहले बर्तन से कितने लीटर लिया गया, तो पहले बर्तन से कितना लिया गया, तो ये वाला पहले बर्तन का है, ये वाला दूसरे बर्तन का है, तो पहले बर्तन से कितना लिया गया, 11 लीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे दो बर्तन है, स्पीड और पानी का मिश्रण है, चाहे आप पहले पे लगा दो, चाहे आप स्पीड पे लगा दो, चाहे आप पानी पे लगा दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस अनुपात में इसमें से मिक्सचर निकाला गया, ठीक है। तो फिर जब मिक्सचर आपको ये पता चल जाएगा किस अनुपात में निकाला गया, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 35 है, तो वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए ने बी से 5% साधारण ब्याज की दर पर 5000 रुपये का ऋण लिया, और बी ने 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि सी को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए दे दी, बी द्वारा अर्जित कुल जो ब्याज होगा वो कितना होगा। आपको ये बताना है बी ने कितना फ़ायदा कमाया। तो ए ने बी से 5% साधारण ब्याज की दर पर 5000 रुपये लिए, तो बस ब्याज आपको बताना है। देखो अगर भाई 5% की दर पर लिया होगा इसने पैसा, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, 2 साल में कितना ब्याज इसे देना पड़ा होगा, 5 × 2 = 10, यानी कि 5000 का 10% का मतलब कितना हुआ, 500, यानी कि ए से इसको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 500। तो ये धनराशि जो है वो आपकी कितनी हो गई, 5500। ये जो धनराशि है वो आपकी कितनी हो गई, 5500 हो गई। अब ये जो धनराशि है बी ने 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि, जो धनराशि इसको मिली कितनी, 500 ब्याज जोड़ के 5500, वो सी को दे दी 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा इससे, 30%। तो 30% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 55 × 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 0 55 15 55 15 और एक कितना हुआ आपका, 16 55 और 55 15 और एक कितना हुआ, 16। तो टोटल ब्याज कितना मिला इसे, 1650 प्लस 500, तो कितना जाएगा आपका, 2150। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, यहाँ पे इनफाइनाइट तक सीरीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट जो सीरीज़ होती है उसका जो सम होता है वो ए बटे 1 - r होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, देखो बेस 4 है यहाँ पे, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, और बटे में कितना आएगा, 4। ऐसे यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, और बटे में कितना आएगा, 8। ऐसे यहाँ पे आपका 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, और बटे में कितना आएगा, 16, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें, 2 से अगर काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 = 8, 2 × 1 = 2, और 2 × 8 = 16, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 फिर 1/16, इस तरीके से इनफाइनाइट तक आएगा। तो यहाँ पे ए जो है यानी कि प्रथम पद जो है वो 1/2 है, इसके बीच का सर्वानुपात यानी कि इस वाले पद को अगर इससे डिवाइड करें तो 1/2 ही आएगा। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1/2 / 1 - 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 गया, यानी कि कितना जाएगा आपका, 1। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है कि 162 और 32 का औसत अनुपात, औसत अनुपात है, औसत अनुपात का मतलब इसका मध्यानुपाती, ठीक है, तथा 486 और 150 का औसत अनुपात n है, तो m और n का अनुपात क्या होगा। तो इसका भाई मध्यानुपाती, इसका मध्यानुपाती निकालो कितना आएगा, इसका मध्यानुपाती जो होगा वो क्या दिया हुआ है, m, तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा, √162 × 32, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 81 × 2 और ये 32, तो 32 × 2 = 64, ये हो गया 81 हो गया, 81 बाहर निकल के 9 आएगा और 64 का बाहर निकल के 8 आएगा, यानी कि ये 9 × 8 हो गया आपका, m की जो वैल्यू है वो 9 × 8 हो गई। अब n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √486 × 150, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 486 को अगर हम लिखना चाहें तो 243 × 2, और यहाँ पे 150 है आपका, ठीक है, 150, तो 150
यहाँ पे 243 और 150 इंटू दो यानी कि 300 होगा। तो अगर हम तीन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 729 इंटू 100। तो 729 बाहर निकल के 27 आएगा और 100 का बाहर निकल के 10 आएगा। तो इसका अनुपात निकाल लो, 9 इंटू 8 बटे 27 इंटू 10। तो 9 तियाँ 27, दो से काट सकते हैं, दो चक्कू 8, दो पंचे 10, यानी कि 4/15 होगा। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है कि उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का मान 16, 30 और 34 है। तो यहाँ पे दो से अगर हम काटें तो 8, 15 और 17, इसका मतलब है ट्रिपलेट बनना है। तो ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में परि जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण इसका कितना है, 34 है, तो इसका मतलब है 34 का आधा दैट मीन कितना हो जाएगा आपका 17। तो जो परित्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 17 होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि आयुषी द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला मासिक व्यय उसकी बचत का 80% है और उसकी बचत उसकी मासिक आय का 30% है यदि उसकी शिक्षा पर वार्षिक जो व्यय है वो इतना है। ठीक है, ये जो दिया है ये मासिक दिया है, ये वार्षिक दिया है। तो चाहे उसको वार्षिक में कन्वर्ट कर लो या इसको आप मासिक में कन्वर्ट कर लो तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको क्या बताना है, आयुषी की वार्षिक आय आपको बतानी है। देखो, आयुषी द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला मासिक व्यय जो है वो उसकी बचत का 80% है और उसकी बचत उसकी मासिक आय का 30% है। तो अगर मासिक आय आपकी 100% है तो बचत कितनी है, 30%, और इसका 80% जो है वो शिक्षा पे खर्च होता है, यानी कि 24% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, ये मासिक जो मतलब यहाँ पे शिक्षा पर वार्षिक व्यय जो है वो इतना होता है, लेकिन ये वार्षिक व्यय है। ठीक है, तो इसको अगर मासिक व्यय निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, 274,752 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो 12 से काट लो भाई, 12 से काटेंगे तो 12 × 2 = 24, कितना बचा, 3, 4, 12 × 2 = 24 हुआ आपका, कितना बचा यहाँ पे, 10, 7 उतारा, अब कितने बार जाएगा, 62, 84, 12, 8, 96, 12, 8, 96 होगा। फिर कितना बचा आपके पास, 11, और 5 उतारा, फिर आपका 12 × 9 = 108, कितना बचा आपके पास, 7, और 72, ये आ गया आपका। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 22,896 को 24 से डिवाइड करो। अब 12 से काटेंगे, 12 × 2 = 24, 12 × 1 = 12, कितना बचा आपके पास, 10, 8 उतारा यहाँ पे, तो 12 × 9 = 108, ना जाने का 0, और 12, 8, 96, 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18, और 2 × 5 = 10, और 2 × 4 = 8। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 954। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे 9954, और 2 0 और आ जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो आय आई वो कौन सी आई, मासिक। तो इसे अगर वार्षिक में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 2 0 ये रहेंगे, 5 × 48, 80 + 4, 12 × 5 = 60, 4 × 64, 80 + 6, और 12 × 9 = 108, और 6 आपका कितना हुआ, 114। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, 11448। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि 1420 मीटर लंबी एक दौड़ में ए अंतिम बिंदु पर 50 सेकंड में पहुंचता है और बी अंतिम बिंदु पर 71 सेकंड में पहुंचता है, तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ए जो है वो 50 सेकंड में पहुंचता है और बी 71 सेकंड में पहुंचता है, इसका मतलब है कि जो बी है वो 21 सेकंड से हार जाता है। तो कितनी दूरी से हारता है वो निकालने के लिए आपको बी की चाल चाहिए होगी कि बी की चाल कितनी, तो बी की चाल कितनी होगी भाई, ये 1420 मीटर की दूरी को बी जो है वो 71 सेकंड में कवर करता है, यानी कि इसकी जो चाल होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो 21 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 21 × 20, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 21 × 2 = 42, 420, यानी कि 420 मीटर से जो है ये हार जाएगा या ए इसको हरा देगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार वजन में 16% की धोखाधड़ी करता है तो उसका लाभ क्या होगा। धोखाधड़ी करने का मतलब क्या है, ये जो मतलब किसी ग्राहक से पैसा तो 1000 ग्राम के लेता है लेकिन उसको माल जो है वो 16% कम देता है क्योंकि वजन में धोखाधड़ी करता है, यानी कि 16% कम तोलता है। तो 1000 में 16% कम कर दो यानी कि 84% माल देता है, यानी कि 840 ग्राम ही देता है, यानी कि माल तो 840 का देता है, पैसा 1000 के लेता है, तो कितना फ़ायदा हुआ उसे, 160 का फ़ायदा हुआ।
840 पे, तो 100 पे कितना होगा, बस आपको यही निकालना है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, चार चक्को 16, चार दूनी 8, चार एक चार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400/21, तो 21 कितना बचा 19, और जीरो उतारा 9 बार जाएगा, यानी कि 19% ऑलमोस्ट आएगा, तो 19 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 19% ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बहुलक बताना है, तो बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही बहुलक है, तो यहाँ पे 10 जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार है, 1, 2, 3, 4, बाकी 12 जो है वो 3 बार है, यानी कि 10 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, एक घनाभ की जो माप है वो कितनी है, 5 cm × 1 cm × 2 cm, ऐसे 12 घनाभ धारित करने वाले पात्र का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे एक घनाभ का आयतन कितना हुआ, देखो मौखिक किसे कर सकते हो, 5 × 10 घन सेंटीमीटर, तो 12 का कितना होगा, 12 × 10 दैट मीन 120 cm³, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति को समायोजित करना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि पर 4 वर्ग मीटर जगह है और सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा होनी चाहिए, ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखो एक व्यक्ति के लिए 20 घन मीटर हवा होनी चाहिए, इसका मतलब है 12 व्यक्तियों के लिए हवा कितनी होनी चाहिए, 12 × 24, यानी कि जो घन जो आपका शंकु होगा उसका आयतन कितना दिया है, 240, ठीक है। अब यहाँ पे जो तली का क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, एक व्यक्ति जो है वो 4 वर्ग मीटर जो जगह है वो घेरता है, तो 12 व्यक्ति कितने घेरेंगे जगह, 5 × 48, तो आपको पता है कि जो शंकु का एरिया होता है, मतलब शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आपका आयतन जो होता है वो आपका कितना होता है, 1/3 πr² h, ठीक है, तो आयतन कितना दिया है, 240, 1/3 πr² मतलब तली का क्षेत्रफल, और वो कितना है 48, और इंटू एच, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 16 से काटेंगे तो 16 × 16 और 16×5 = 80, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 15 मीटर, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, प्रिया जो है वो 48 दिनों में एक काम पूरा कर सकती है, प्रिया की दोस्त तनीसा प्रिया से 20% अधिक कुशल है, तो जो ज़्यादा कुशल होगा उसको टाइम कम लगेगा, तनीसा की तुलना में समीक्षा जो है वो 25% अधिक कुशल है, तनीसा और समीक्षा एक साथ समान काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो प्रिया जो है वो किसी कार्य को 48 दिन में करती है, ठीक है, उसके बाद तनीसा जो है वो प्रिया से 20% अधिक कुशल है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 48/120×100, तो 0 से 0 / 48, यानी कि इसको टाइम कितना लगेगा, 40 दिन। उसके बाद आ जाते हैं समीक्षा पे, तो समीक्षा जो है वो आपकी तनीसा से 25% अधिक कुशल है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 40/125×100, तो 25 × 100 = 25×125, तो 5×8 = 40, यानी कि इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 32 दिन। तो यहाँ पे पूछ रहा है तनीसा और समीक्षा एक साथ समान काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो कितना हुआ, 160, ये एक दिन में कितने लड्डू बनाएगी, 4, और ये कितने बनाएगी, 5, एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में लड्डू कितने बनेंगे, 9, तो टोटल काम कितने समय में होगा, 160/9, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 6^4 और m^4 है और -5^4, ठीक है, तो इसे इस तरीके से देखो कि जैसे a^4 -b^4 आपका क्या आएगा, a² - b² और a² + b², ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, a+b और a-b और a² + b², तो सेम इसी फॉर्मेट में देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6m + 5, फिर 6m - 5, और यहाँ पे इसका स्क्वायर यानी कि 36m² + 25, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6 होता है, तो इसका एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करना होगा, तो बस यही इसका आंसर होगा, n की वैल्यू 7 है, तो 7 × 1 = 8, 7 × 2 = 14 × 1 = 15, 6/2, तो 4 × 2 = 2, 2 × 8 = 2, 3 × 6 = 3, 3 × 6 = 15, यानी कि 4×5 = 15 आएगा आपका 20, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एम एन ओ ये समरूप हैं, तो समरूप अगर त्रिभुज हैं तो भुजाएं जो होंगी वो अनुपातिक होंगी। तो पी क्यू की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है वो 7 है, पी आर जो है वो आपकी 11 सेंटीमीटर है, आर पी जो है वो 11 सेंटीमीटर है, एन ओ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो एम एन ओ का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से है ये आपका, ठीक है, ये त्रिभुज आपका पी क्यू आर है और ये किसके आपके समरूप है, एम एन ओ, ठीक है। तो इसकी जो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो आपकी अनुपातिक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, उसके अलावा क्यू आर की जो वैल्यू है वो 7 है, आर पी की जो वैल्यू है वो 11 है, यहाँ पे एन ओ की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 3 है। आप इसकी भुजाएं अगर निकालनी है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस भुजा और इस भुजा में 6 और 7 का अनुपात है, तो यहाँ पर भी 6 और 7 का अनुपात होगा, तो 7 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3/7 × 6, यानी कि 6 × 3 = 18/7, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई आपकी, 18/7। अब ये अगर निकालनी है तो इसमें और इसमें रिलेशन देखो, 7 और 11 का अनुपात होगा, 7 और 11 का अनुपात, यानी कि ये 7 होगी, ये 11 होगी, तो 7 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 3/7 × 11, यानी कि 11 × 3 = 33/7 होगी, ठीक है। तो अब परिमाप निकालना, यानी कि इनको जोड़ दो, तो आपका कितना हो जाएगा, 18/7 प्लस आपका 33/7 प्लस आपका 3, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 18 + 33 + 7 = 21, तो 8 3 कितना हुआ, 11 और 1 = 12, यानी कि हासिल लगा 1, तो 3 और 1 = 4, 4 = 2 कितना हुआ, 6 6 और 1 = 7, 72/7 आएगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि समान त्रिज्या आर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक्स वाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो 4√11 है, तो आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस तरीके से दो सर्किल हैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये समान त्रिज्या वाले यानी कि बराबर होंगे, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है, इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, 4√11, ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 4√11 है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जीवा इसको दो भागों में डिवाइड करेगी, यानी कि ये जो होगी वो 2√11 होगी और इधर वाली भी 2√11 होगी। अब ये जो एक्स वाई है ये 20 है, ठीक है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये 10 होगी, ये भी 10 होगी, तो त्रिज्या अगर निकालें तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 10 है, ये 2√11 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर यानी कि 100 और इसका स्क्वायर यानी कि 4 × 11 = 44, तो ये 144 हुआ, बाहर निकल के कितना आएगा, 12, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है, क्या दिया हुआ है, 10 n/3 + 10 व्यक्ति, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 40% 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि n+5 व्यक्ति, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके शेष मतलब 60% कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो आप, ये जो क्वेश्चन है वो m1 d1 t1 / w1 वाले कॉन्सेप्ट पे है, तो w1 यानी कि जो वर्क होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, उसके अलावा जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो भी हमेशा आपकी नीचे रहेंगी। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, 10 n/3 + 10, 10 लोग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 40% काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, फिर n+5 जो व्यक्ति हैं वो 12 घंटे काम करके 20 दिनों में शेष काम को कितने दिन में कर देंगे, तो शेष काम कितना आपका, 60% काम है, तो n की वैल्यू आपको बतानी है, तो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 60 है, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 15, 6 से काटेंगे 6 × 2 = 12, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10n बचेगा, प्लस 10 × 3 = 30 = 4 × 2 = 8 से गुणा करेंगे, 8n प्लस आपका 40 हुआ, तो इधर लेके जाएंगे तो 2n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10, तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, यदि x माइनस वाई का 72/1/2% x प्लस वाई के 58% के बराबर है तो x और y में क्या रिलेशन होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो x माइनस वाई का 72/1/2 का मतलब 72 × 144 और प्लस 145/2 और परसेंट का मतलब 1/100, मतलब 1/100 होता है तो आपका 100 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे x प्लस वाई इंटू आपका 58/100, तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर दो, 145x माइनस 145y और 58 × 2 कितना हुआ आपका 116, यानी कि 116x प्लस आपका 116y। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे यानी कि 29x होगा। और इधर लेके जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 6 × 5 कितना हुआ 11, 4 × 1 × 5 × 1 कितना हुआ 6, और यहाँ पे 2y, तो ये 29 होता है आपका 261। देखो 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 18, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 9y आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 9y। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। क्या दिया हुआ, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 17:8 के अनुपात में है और इसका जो परिमाप है वो 150 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अगर 150 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 15 × 6 = 60, यानी कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 600। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 17 + 8 = 25, यानी कि 25 × 50 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, 600 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 12 के बराबर। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 17 × 12, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 × 12। तो इसका जो एरिया होगा आयत का, जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि इसको गुणा करने पर आएगा। तो बस आपको दिमाग नहीं लगाना है, देखो इकाई के अंक से आपका साल बोरा है क्या, देखो 7 × 2 = 14, 4 × 4 = 32, 2 × 2 = 4, यानी कि वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 4 है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। देखो cot 30 की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 10 / 60 के बराबर, यानी कि √3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, और इसकी वैल्यू √3 होती है, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि कितना जाएगा 1 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12, 14 से विभाज्य है। तो सबसे पहले वर्ग संख्या ही देख लो, तो एक ही संख्या ऐसी है जो वर्ग है, 1764 ही आपका वर्ग संख्या है, बाकी कोई भी जो संख्या है वो वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है इसे आत्म हिचके आप लगा सकते हो, बाकी 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। अगर मान लेते हैं ये ऐसे ना समझ में आता आपको, तो 9 की डिविजिबिलिटी से आप चेक कर सकते थे। तो यहाँ पे तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो आपके पास बचा हुआ टाइम है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है, और टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बचा हुआ जो टाइम है वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। और इसमें आप किस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करते हो और कैसा कंटेंट टाइप करते हो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 250 पैसेज हमने यहाँ पर आपको प्रीवियस दिए हैं, तो इन्हीं पैसेज को आप प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जोड़ लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।